हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि आज हम लोग जो हैं बच्चों, आपका 7th क्लास का आपका पर्यावरण जो आपका विषय है, हम लोग उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसी में जो है हमारा एक लेक्चर आपका हो चुका था बच्चों, आज हम लोग दूसरा लेक्चर आपका देखेंगे। और उस लेक्चर के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार रवि की एक कहानी के माध्यम से हम लोगों ने आपके पर्यावरण को समझा, और साथ में उसने बताया कि किस प्रकार से हमारा पर्यावरण आपका बदल रहा है, पर्यावरण है क्या, और पर्यावरण में हम लोग प्राकृतिक चीज़ें और मानव निर्मित चीज़ें क्या हैं, ये हमने पढ़ा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इन सारे मंडलों का हम लोग कल बहुत अच्छे से आपका अध्ययन कर चुके थे। आज हमको उनके विषय में पढ़ना है, उनके विषय में जानना, एक बार छोटा सा हम लोग रिविजन फिर करेंगे, और हम लोग उसके आगे जो है अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यूस करेंगे और उसको हम लोग आपका बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने घर जाकर उसको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन किया होगा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखेंगे, हर विषय को अपना प्रॉपर समय देंगे, ताकि आपसे किसी प्रकार की परीक्षा में कोई आपकी चूक ना हो। क्लियर है बच्चों? ऐसी में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने रिविजन किया होगा। किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट जाता है तो आप हमको अपने कमेंट सेशन के माध्यम से अपना डाउट, अपना प्रश्न जो है, अपनी क्वेरी आप हमको बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है हम लोग ये शुरू कर रहे हैं आज अपना क्लास, जो हमारा आपका 7th है, इन्वायरमेंट है आपका, और हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण का पढ़ेंगे। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण से पहले हम लोग जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक बार छोटा सा हम लोग अपना ब्रीफ में जो है बच्चों, हम उसका रिविजन कर रहे हैं। आपको याद होगा कल हम लोग ये चित्राकृति देखी थी, और इससे हमने आपके जो पर्यावरण के जो घटक हैं उन घटकों को हमने देखा, उनको जाना, उनको पढ़ा कि कौन से प्राकृतिक हैं, कौन से मानव निर्मित हैं। उन घटकों को हम लोगों ने आपका देख लिया, उनका आपका जान लिया। क्लियर है? यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है? और कैसे हम लोगों ने अपने चैप्टर को आपका प्रारंभ किया था, यह आपको ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए, जितने भी सारे मंडल हैं, इन मंडलों को हम लोग आपका देख चुके थे कि इन मंडलों की क्या स्थिति है, कैसा उनका विचार है। और आज हम लोग बात करेंगे आपका बच्चों परितंत्र पर, क्योंकि कल हमारा जो था हम लोग परितंत्र इसको आपका देख चुके थे, और आज हम लोग परितंत्र को आपका प्रारंभ करेंगे कि परितंत्र क्या होता है, ये हमको देखना है। लेकिन हम लोगों ने आपका जैव मंडल को भी आपका कल देख लिया था बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान देना है। हम लोगों ने वायुमंडल को देखा था, हम लोगों ने आपका जल मंडल को भी इसको देख चुके थे, और साथ ही में आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग स्थल मंडल को भी हम आपका पढ़ चुके थे। ये स्थल आकृति है, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग आकलन करके इसको देख सकते हैं। कैसे? ये हमारा स्थल मंडल है जहाँ पर लोग आपका निवेश करते हैं। जैव मंडल में आप देखिए, जितने भी आपके पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो सब आपका जैव मंडल में है। जल मंडल में जो आपके जल जनित जो आपके चीजें हैं वो है, और वायुमंडल को आप ऊपर देख सकते हैं कि वायुयान जो हवा जो आपकी वायु है, ये सब जो है आपका वायुमंडल का ही बच्चों पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं और इसको हम आपका जानना शुरू करते हैं कि आखिर में परितंत्र है क्या। देखिए, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब वो लोग एनसीसी के कैंप में गए थे, और जब वो लोग एनसीसी के कैंप में गए तो उनको जेसी जो है वो बोलता है एक बड़ा उत्सुकता का, देखिए कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे कल केरल याद आ गया। अब क्या हो गया उसको? अपना क्या याद आ गया बच्चों? अपना केरल याद आ गया, यानी कि हमको पता लग गया कि वो कहाँ से है आपका विद्यार्थी, वो कहाँ से है आपका, केरल से। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर उसको केरल याद आया है तो वहाँ वर्षा बहुत अधिक मात्रा में आपकी क्या होगी बच्चों? होती होगी। क्या होती होगी? वर्षा आपकी बहुत अधिक मात्रा में होती होगी। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए हमारे यहाँ आपका केरल में आके जो हमारे खेत हैं वो कैसे हरे भरे हैं, कैसे नारियल के बागान आपको में इतनी जो बारिश हो रही है वो आपको सब दिखाई देगा। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अब देखिए वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो वर्षा है, जैसलमेर यानी कि आपका राजस्थान की बात कर रहा है,
कह रहा हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर कंकरी एवं रेत ही नजर आता है। अब क्या होता है, उनको क्या दिखा देता है आपका, जो कंकरी है, जो आपका रेत है, वो आपको ही दिखाई देगा, जो आपका कीकर है वो ही आपको दिखाई देगी। रेगिस्तान में जो है आपका रेत दिखाई देगा, वहाँ कीकर के आपके वृक्ष हैं वही आपके नजर आएंगे, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। रवि कह रहा है कि आप ये तो बता रहे हैं कि वहाँ आपकी कीकर है, आपका रेत है, लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलता है, रवि ने कहा ऐसी बात। अब देखिए क्या बोलता है वो, आगे उसकी बात हम लोग सुनेंगे और इस टॉपिक को पूरा हम लोग आपका समझेंगे। हीरा ने कहा हाँ ऊंट तो मिलते ही हैं, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां आपके सांप भी मिलेंगे, आपको छिपकली भी मिलेगी और जो अन्य कीट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। अभी उसने केरल को देखा, अपने यहाँ देखा और साथ में राजस्थान के विषय में पढ़ा, तो उसको पता चला कि यहाँ तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रहन सहन, खान पीन सब अलग है। क्लियर है, कैसा है सब आपका, अलग है। और कह रहा है कि इतना भिन्न क्यों है, इतना डिफरेंट क्यों है ये, ऐसा इतना भिन्न क्यों नजर आ रहा है हम लोगों को, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? और कह रहा है जो एक दूसरे के साथ क्या कोई इसका आपका संबंध है, अब ये हमको देखना है कि उनका क्या कोई कोई एक दूसरे के साथ आपका संबंध है या नहीं, अब हमको ये देखना है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल बहुत संबंध है। अब कह रहे हैं उनका आपस में कैसा है, बहुत संबंध है। और ये चीज किसने कही, जो उनका टीचर है, जो उनके शिक्षक हैं, ये बात उन्होंने कही। अब देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। कह रहे जो भी आपके सभी, जो आपके पास पड़ोस के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, वो सब किस पर आश्रित होते हैं, जो आपका पर्यावरण है वो उस पर्यावरण पर आपका आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है, और होता क्या है कि प्राय होता क्या है, ये सब एक दूसरे पर क्या होते हैं आपका आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का ही संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। यानी कि अब आप देखिए परितंत्र की आपको परिभाषा मिलने जा रही है कि जो आपका परितंत्र है वो क्या होता है, आप इसको देखिएगा परितंत्र को, कि देखिए जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है आपका, परितंत्र का जो है आपका निर्माण करता है। अत्यधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। और कह रहा है कि इन सब का भी क्या हो सकता है, आपका एक अपना परितंत्र जो है वो आपका परितंत्र हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए आप आपका देखेंगे कि परितंत्र के अंतर्गत क्या देखते हैं हम लोग, कि जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, वो सब क्या हैं, एक दूसरे से आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनका आपस में सहचर संबंध होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। यानी कि किसका भी अपना इकोसिस्टम आपका हो सकता है, यानी कि चाहे आपका कोई अधिक वर्षा वाला वन हो, उसका भी एक अपना सिस्टम हो सकता है, परितंत्र हो सकता है, जहाँ घास मिलती है वहाँ भी, जहाँ आपका रेगिस्तान हो, जहाँ आपके पर्वत, झील एवं नदी हो, आपके महासागर हो, छोटा ताल यानी कोई भी आपका तालाब है, उसका भी एक अपना परितंत्र हो सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि परितंत्र क्या है, जीवधारियों का अपने आसपास के पर्यावरण से जो संबंध है, संबंध ही क्या है आपका, परितंत्र है। यानी कि आप देखिए आपका खेत है, उस खेत में जो भी आपके जीवधारी हैं, जो भी आपके जीवधारी हैं और जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो आपस में संबंध है वही क्या है आपका, परितंत्र है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र
बनाता था, अब कह रहा है कि जिस पार्क में आपका रवि खेल रहा था क्या वो तंत्र, वो पार्क भी आपका परितंत्र बनाता था? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, हाँ बनाता था, क्योंकि उसमें भी घास थी और उसमें भी गेंदे के फूल लगे हुए थे, तितलियां वहां आती थी और कुछ ऐसे आपके छोटे मोटे जो आपके जीव जंतु होंगे, आपके जो आप जी ने कहेंगे छोटे मोटे जो आपके कीड़े कीट होते हैं, उनका भी क्या था, उसका आपसी सहचर संबंध था उस पर्यावरण के साथ, उन पेड़ पौधों के साथ। तो हाँ, उस मैदान का भी एक अपना परितंत्र था। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम लोगों ने ये तो आपका देखा कि जो आपका परितंत्र है, परितंत्र के अंतर्गत क्या होता है। क्लियर है? आइए सबसे पहले एक छोटी सी आपके शब्दावली है, इस आपके शब्दावली पर हम लोग आपकी नजर लगाते हैं और इसको देखते हैं। देखिए इसने कहा है, परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि आप देखिए, परितंत्र क्या है, जिसमें जितने भी आपके सब जीवधारी हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, पर्यावरण का उनका भौतिक एवं रासायनिक। क्लियर है? कैसा है आपका, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर आपकी क्रिया करते हैं, एक दूसरे एक्टिविटी भी होती है जिसमें वे निवास करते हैं, और होता क्या है, इससे एक दूसरे का आपका वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंध है, और होता क्या है, ये सब क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा और जो पदार्थ है उनका जो आपका ट्रांसफर होता है, उनके एक दूसरे से आपका इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना। अब देखिए, कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लाएं। अब देखिए, अभी ये उनका स्थान है कि कोई आपकी जगह है, उसमें आप देखिए आपका तालाब है, उसमें कुछ फूल खिले हैं, घास है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु वहाँ आ रहे हैं, गाय वहाँ पानी पी रही हैं, जो अन्य आपके जीवधारी हैं हिरन वगैरह वो भी सब वहाँ आ रहे हैं, अपनी घास चर रहे हैं, पानी पी रहे हैं उस आपके झरने का। तो आप सोचिए इनका क्या है, ये आपसी तालमेल है, आम भाषा में कहें आपसी कैसा है, उनका सहचर संबंध है एक दूसरे के साथ, आपका पर्यावरण का जीवधारियों के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी हम बात करते हैं जो आपका है मानवीय आपकी पर्यावरण की, इसको देखते हैं आपका मानवीय पर्यावरण। हम प्राकृतिक पर्यावरण को देखे आपका पढ़े, अब हम लोग देख रहे हैं मानवीय पर्यावरण को। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी कि जो आपका ह्यूमन है, आपका मानव है, जो भी उसका एनवायरमेंट है उसके साथ वो क्या करता है, आपका पारस्परिक उस पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। यानी कि जितनी की उसको जरूरत है उतना ही वो क्या करता है, एनवायरमेंट में अपना चेंज करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। अब देखिए प्रारंभ में क्या हुआ था कि प्रारंभ में जो हम जब मानव उत्पत्ति हुई तो मानव अनुकूल नहीं था, किसके लिए, प्रकृति के लिए, लेकिन उसने क्या कर लिया, मानव ने स्वयं को और प्रकृति के लिए क्या बनाया था प्रारंभ में, बच्चों आपको ध्यान रखना है, इनिशियल फेज में उसको अपने लिए क्या बनाया था, अनुरूप बनाया था, उसके जैसा जैसे माहौल है उसके अनुसार बनाया। उसका जीवन सरल था एवं आसपास के प्राकृतिक से उसकी आवश्यकताएं पूरी होती थी, और उसका जीवन बहुत सरल था, आसानी से जिया जा रहा था, जो भी उसको चीजें आपकी चाहिए थी वो उसको आपका प्राकृतिक से, उसको नेचर से आराम से पूरी होती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे आपका समय हुआ तो लोगों की जो भी बहुत प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं थी जो आपकी बढ़ गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब हुआ क्या, मानव ने अपना कुछ जो आपका पर्यावरण है उसका उपयोग को लेकर, उसमें कुछ परिवर्तन को लेकर कुछ आपके तरीके जो हैं सीख लिए। उसने फसल उगाना, आपका पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब देखिए जब उसका परिवर्तन हुआ तो उसने क्या सीखा कि वो आपका फसल उगाने लगा, पशु पालने लगा और स्थायी जो आपका जीवन है वो आपका जीने लगा। और क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और देखिए आप देखेंगे जो आपका पहिया है क्या हो गया इसका, बच्चों आविष्कार हुआ। आवश्यकता से भिन्न अन्न उपजाया गया, यानी कि जितनी उसको जरूरत थी मानव को
उनने उससे अधिक क्या उपज किया, उसका अनाज को उपजाया। क्लियर है? और देखिए वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब आप जानेंगे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। मैं आपसे पूछूंगा कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? आपको पता होना चाहिए बच्चों, वस्तु विनिमय पद्धति के अंदर क्या करते हैं हम लोग, वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। कैसे आदान प्रदान करते हैं, आइए मैं इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको जरूरत है साग सब्जी की, तो आप क्या करेंगे, अपना गेहूं का कुछ हिस्सा, 1-2 किलो गेहूं आप उस सब्जी वालों को देंगे और सब्जी वाला उस गेहूं के बदले आपको सब्जी दे देगा, क्योंकि गेहूं वालों जो आपका सब्जी वाला है उसको गेहूं की आवश्यकता होगी। क्लियर है? अगर नहीं भी होगी तो वो गेहूं लेके रख लेगा, ताकि अगर उसको गेहूं के माध्यम से वो कोई अन्य चीज आपके ले सकता था। यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति के अंदर पैसों का दान, पैसों के माध्यम से चीजें नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि वस्तु का ही आदान प्रदान हुआ करता था। क्लियर है? क्या हुआ करता था बच्चों, वस्तु का ही आदान प्रदान हुआ करता था। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। अब देखिए जब आपका व्यापार प्रारंभ हो गया तो जो भी आपकी वाणिज्य था, जो भी आपकी व्यापारिक आपकी गतिविधियां थी, वो भी क्या हो गई बच्चों, वो भी आपकी उनका विकास हो गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। और होता क्या है कि जब औद्योगिक आपकी क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल जब आपका रेवोल्यूशन होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर कैसा होता है, जो उत्पादन है वो आपका प्रारंभ हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए ये बात जो हो रही है ये आधुनिकता के समय की बात हो गई है। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत स्पीड से आपका बढ़ने लगा है। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और दुरुस्त हो गया, यानी कि जब आपकी सूचना क्रांति आई और इस सूचना क्रांति से क्या हो गया, पूरे विश्व में सहज और दुरुस्त हो गया। अब देखिए सूचना ही क्रांति का एक बहुत अच्छा मीडियम है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडियो से बैठकर, क्लियर है, अपनी क्लासरूम से, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये सूचना क्रांति का ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप लोग इसको पढ़ पा रहे हैं और मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? ये सब किसका पार्ट है, तो ये अपना सूचना क्रांति का ही जो है आपका पार्ट है बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अब देखिए होता है, जब आपकी गर्मी होती है तो आप क्या खाते हैं, आपका तरबूज खाते हैं, और जब आपकी सर्दी होती है तो आप भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। कह रहे जो आपका प्राकृतिक आपका पर्यावरण है और जो आपका मानवीय पर्यावरण है, इन दोनों पर्यावरण के बीच क्या है बच्चों, आपसी तालमेल होना और सही संतुलन होना, सही बैलेंस होना आपका बहुत जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ सरलता समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मानव है, मानव को ये आपका सीखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण का जो है उपयोग आपका कर सकते हैं, ये हमको आपका सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। अब देखिए रवि की जो आपकी कक्षा है उसमें कहाँ की लड़की है आपका बच्चों, मिजोरम की, ये आपको ध्यान देना है। क्या नाम है उसका आपका बच्चों, का नाम है आपका नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। और होता क्या है, जब भी कुछ बात होती है तो नूरी क्या कहती है, अपने जो हरियाली है, जो उसके ग्रीनरी है, वो उसकी हमेशा बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने आने वाली छुट्टी में अपने घर मिजोरम आने को कहा। और नूरी कहती है कि जब उसने देखा, नूरी ने, कि जो रवि है बहुत उदास हो चुका है, जिसका ग्राउंड जब से नष्ट हुआ है, तो नूरी ने कहा कि आप क्या करें, आप जब आपकी छुट्टी होंगी तो आप मेरे घर आ जाइए। कहाँ, मिजोरम। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टी में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भू दृश्य, यानी कि जो भी आप वहाँ आकृति देखते हैं, पर्वत पहाड़ पठार मैदान घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे, यानी जो भी घूमने जा रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, आप उसका चित्र बनाकर लाएंगे। तो अब तो बहुत अच्छा मीडियम है, आप
आप क्या करें, आप फोटो जा भी कहीं घूमने के लिए जाएं तो अपना फोटो खींच लें और आपको पता लगता रहे कि अच्छा यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ ऐसा पर्यावरण होता है, यहाँ ये पशु पाए जाते हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, ऐसा मौसम है। तो एक आपकी क्यूरोसिटी आपकी बननी शुरू हो जाएगी, इच्छा शुरू हो जाएगी कि उस क्षेत्र में ये सब चीजें, ये ऐसा जो है आपका पाया जाता है। क्लियर है? आप इसको देख पाएंगे और आप इसको जो है बच्चों बहुत अच्छे से जो है आप इसको जान पाएंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या है और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। क्लियर है? तो हम लोगों ने मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण इन सब विषय में पढ़ लिया, उनको बहुत अच्छे से हम लोगों ने जाना। चलिए अब बात है आपके प्रश्न उत्तर की। अब देखिए, अब बहुत आसानी से आप लोगों को जितना चैप्टर पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। जैसे कि प्राकृतिक आपदा परितंत्र क्या है, प्राकृतिक परितंत्र आप क्या समझते हैं, घटक क्या है, मानव निर्मित परितंत्र पर्यावरण के चार उदाहरण, स्थल मंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के दो घटक, और इनमें से कौन सा सही गलत। तो अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा और रिविजन करा है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इस सारे प्रश्न उत्तर को बहुत आसानी से अपने चैप्टर के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको बिल्कुल भी ये कठिन नहीं होगा आपके लिए ये प्रश्न करना, ये प्रश्न उत्तर करना। और साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा परितंत्र नहीं होगा जो आपके बहुविकल्प प्रश्न है, आप इसको भी जो है बच्चों बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही में जो आपके नीचे ऑप्शन दिया गया है, स्तंभों को जो आपका सही जोड़े मिलाने हैं, उन सही जोड़ों को भी आप पढ़ के मिला सकते हैं। अगर आपको पता हो कि जैव मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, और जल मंडल क्या है, और पर्यावरण क्या है, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर ये कुछ आपके नीचे है कि कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों करता है बच्चों, हम सीख रहे थे अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो उसकी आवश्यकता बढ़ती है तो पर्यावरण करता है, तो कारण ही तो है। तो आप ऐसे करके बहुत आसानी से और बहुत सरलती आपका चीजों से आप अपने प्रश्न उत्तर का जवाब दे सकते हैं बच्चों। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया उससे बाहर हो, सब कुछ आपके चैप्टर का ही है। अब आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को रिविजन करना है और उसके प्रश्न उत्तर को आपको बुक के माध्यम से ही आपको लिखना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और ये भी पता चल जाए कि आखिर में आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का आपको कितना आया है। बच्चों ये आपको देखना होता है कि चैप्टर को आप अच्छे से अगर आप लोगों ने आपका पढ़ा है और प्रॉपर आपने रिविजन किया है तो आपको प्रश्न उत्तर करने में, बहुविकल्प प्रश्न करने में, सही जोड़े मिलान करने में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं आने वाली। और अगर आप ये करते हैं तो उससे पहले आप क्या करें, एक छोटा सा मेरा आपको अच्छे से आपका सजेशन है कि आप चैप्टर को सबसे पहले आप उसके प्रश्न को पढ़िए सारे, उसके बाद आप चैप्टर का रिविजन करना प्रारंभ कीजिए और जहाँ जहाँ आपको प्रश्न मिलता जाए, उसका आंसर मिलता जाए, उसको पेंसिल के माध्यम से अंडरलाइन करते चलिए कि ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, ये मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके सारे बहुविकल्प, सारे प्रश्न उत्तर, सारे चीजें आपके समाप्त हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।